एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी टाइम आप ये देख रहे हो वीडियो, उस टाइम जो भी हो रहा है वही गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट भी। और आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये हमारी कॉलेज लाइफ से रिलेटेड होने वाला है। मैं उन स्टूडेंट्स की बात करूंगी जो कि फर्स्ट ईयर में एंट्री करने जा रहे हैं। आपका फर्स्ट डे कैसा होना चाहिए, क्या क्या एक्सपीरियंस आप करेंगे फर्स्ट डे, आपको क्या बेसिक प्रिकॉशंस या सेफ्टी रखनी चाहिए जब आप जाते हो। तो क्योंकि सेफ्टी की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि घबराए हुए रहते हो, किससे क्या बात करनी है, कहीं कोई आपकी रैगिंग ना ले ले। वैसे तो अभी रैगिंग नहीं होती है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें आपको ऐसी याद रखनी चाहिए। यू विल बी गोइंग टू कॉलेज एंड मैं आपको बता दूं क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं। ये जो बेसिक चीज़ें हैं सभी को पता रहनी चाहिए। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है आपका ड्रेस, जो क्या ड्रेस आप पहन के जाने वाले हो। गर्ल्स जो हैं वो एकदम फैशन परेड करते हुए ना जाएं फर्स्ट डे आपके कॉलेज में जब आप जा रहे हो, तो क्योंकि आप कॉलेज जा रहे हो, ऑब्वियसली आपको वहाँ 4 साल निकालने हैं। आप 1 साल के लिए, 2 साल या किसी से मिलने के लिए नहीं जा रहे हो। सो यू हैव टू मेंटेन योर डिग्निटी एंड एक एलिगेंट वे में, एक डिसेंसी से आप जाइए। आप लॉन्ग कुर्ता पहन सकते हैं जीन्स पे, या फिर शॉर्ट कुर्ता पहन सकते हैं जीन्स पे। गर्ल्स का मैंने बताया कि बैकलेस ना पहने, स्लीवलेस ना पहने, शॉर्ट कुर्ता डाल लो आपके जीन्स पे, या फिर कुछ भी ऐसा जो कंफर्टेबल हो आपको। आप अनकंफर्टेबल ना हो फर्स्ट डे ही अपने, जब आप टीचर्स से मिलोगे एक इंट्रो होगा आपका सभी के बीच में, सो यू शुड बी कंफर्टेबल विद योर ड्रेस। और उसके बाद जब आपकी ड्रेस आ जाती है तो यू कैन गो इन दैट, और नहीं है तो फिर आप हमेशा ही ऐसे कपड़े मेंटेन करके रखो जो आपको अनकंफर्टेबल ना महसूस होने दे किसी के भी सामने। सो गाइज, सेकेंड पॉइंट इज़ इंट्रोडक्शन। आप जब जाओगे कॉलेज में, आप जैसे ही एंट्री करोगे, टीचर्स आपको आपका इंट्रोडक्शन होगा, एक दूसरे से आप बातें करोगे, तो टीचर आपको वो 60-65 लोग जो बैठे रहेंगे उनके बीच में आपको उठा देंगे और बोलेंगे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो वहाँ पे आपके साथ कोई उप्स मोमेंट ना हो, यानी कि आप बोलते बोलते रुक जाएं या कुछ ऐसा ना हो आपके साथ। तो एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन आप जो है अभी प्रिपेयर कर लीजिए एंड उसमें बोल दीजिए माय नेम इज़ मिताली सक्सेना, या फिर माय हॉबीज़ आर, और मैंने इतना स्कोर किया है अपने 12th में, या जो भी XYZ जो है आप बोल सकते हैं। अच्छा अच्छा चीज़ें अपने बारे में आप शोकेस करें लोगों को। इंट्रोडक्शन ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, शॉर्ट एंड सिंपल और स्वीट होना चाहिए, ताकि लोग भी ना बोर हों और आपके बारे में लोग जान जाएं। इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिया, ड्रेस के बारे में बता दिया, अब मैं आपको बताऊंगी आपके फ्रेंड सर्कल के बारे में। जाते ही जब आप मिल जाएं एक दूसरे से, आपको लगता है आप अकेले जा रहे हो एंड कोई भी बात करने वाला नहीं है, तो आप क्या करोगे कि एकदम से नंबर एक्सचेंज करना स्टार्ट कर देते हो। मेरा मानना यह है कि पहले आप लोगों को परखें कि वो आपकी फ्रेंडशिप के लायक हैं भी या नहीं है। दोस्त कैसे होंगे इस पे आपका करियर बहुत डिपेंड रहता है। कैसी संगति में आप रहते हो, कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हो, ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। तो मेक श्योर कि आपकी जो संगति हो, आपकी दोस्ती जो हो, बहुत ही अच्छे और वेल मैनर्ड लोगों के साथ हो। कोई भी इंसान बुरा नहीं होता है, लेकिन आदतें बुरी होती हैं। तो मैं इतना कहूँगी कि आदतें भी जो है वो आपको जल्दी लग जाती हैं, तो आप ऐसे लोगों से दोस्ती कीजिए जो आपके हिसाब के हों एंड उनसे आपको कोई डर ना रहे। मैंने आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिया, ड्रेस के बारे में बता दिया एंड अब मैं आपको बताऊंगी रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में, कि ये पता कर लीजिए कि आप कॉलेज में आप एंट्री ले रहे हो वहाँ पे क्या क्या अलाउड नहीं है, यानी कि जूनियर्स जो है वो वॉच पहन सकते हैं या नहीं, काजल लगा सकते हैं या नहीं। तो इस टाइप से कुछ थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो आप पता कर लीजिए, और अगर नहीं है तो एंजॉय कीजिए। सीनियर्स को सर मैडम करके एड्रेस करें, ये थोड़ी सी रिस्पेक्ट है। ऑब्वियसली वो लोग 3rd या 4th ईयर में हैं, तो उनको थोड़ी सी रिस्पेक्ट देना तो बनती है। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो कीजिए।
मैंने सुना है कि अभी आप लोगों को जनरल प्रमोशन मिल गया है, यानी कि जो लोग अभी एग्जाम्स के बिना आप लोग को प्रमोट कर दिया है कॉलेज स्टूडेंट्स को, कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स को, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ये दिमाग में ना रखो, आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, सारी सिचुएशन ठीक हो जाएगी बहुत जल्द और वी विल बी बैक टू वर्क एंड आप मन लगा के पढ़ाई कीजिए। डिसेंट वे में बर्ताव करें लोगों से एंड अच्छे से दोस्त अच्छे दोस्त बनाएं, जैसे कि मैंने कहा कि इट्स वेरी फ्रेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। आपका कॉलेज लाइफ एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, जैसे मैं अभी एक ये वीडियो बनाते समय मुझे अपना कॉलेज टाइम याद आ रहा है, तो इट्स अमेजिंग कि हर एक मोमेंट को अच्छी तरह एंजॉय करिए, लेकिन आपको साथ ही साथ पढ़ाई भी करनी है। आपको आपको देखना है कि आप किस मकसद से यहाँ पे आए हों कॉलेज में एंड मेक श्योर कि आप आए हों तो एक अच्छे जॉब ऑफर आप हाथ। जिस पहले दिन जा रहे हो तो क्या पढ़ाई होगी, इंट्रोडक्शन और इसमें ही घूमने फिर कॉलेज देखने में टाइम निकल जाता है, तो रफ रजिस्टर और पेन रखें। बहुत सारे लोग पेन लेके नहीं जाते थे, जिसमें से कि मैं हूँ, मैं पेन ले जाना भूल जाती थी, पता नहीं क्यों ऐसा होता था मेरे साथ में, तो मैं फिर तो दूसरों मुझे दूसरे लोग मदद कर देते थे। तो प्लीज़ आप भी ये दो तीन पेन मैं तो बोलूँगी डालो, क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे मिलेंगे कोई पेन नहीं लाया या कोई कुछ नहीं लाया तो आप हेल्प कर सकते हो। ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं ना वो हम लोग को पता होनी चाहिए। जब मैं कॉलेज में गई थी तो मुझे मेरी दी ने गाइड किया था एंड ये सारी चीज़ें बहुत ही मायने रखती है, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज ऑलवेज अ लास्ट इम्प्रेशन। आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।